हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। ये वीडियो आपकी रिलेटेड है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी इनकम पर, जो भी हमें इनकम मिल रही होती है किसी भी पर्सन को, तो उसकी इनकम पर कुछ स्पेसिफिक बैंक्स वगैरह हो गई, हमारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये हमारे TDS काट लेती है। आपने कहा होगा कि आप बैंक में आपकी FD होती है, एक सर्टेन लिमिट से यदि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है तो बैंक आपकी आपका TDS काट लेती है। क्लियर? यदि आप TDS ना काटे बैंक, या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपका TDS ना काटे, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपके पास एक ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो, उसके जरिए जा सकते हो। एंड इस केस में आपका जो TDS है वो आपकी इनकम जो आपको मिल रही है उस पर TDS नहीं कटेगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं, 15G 15H। 15G उन पर्सन के लिए है जो एक तो इंडिविजुअल है जिनकी एज 60 साल से नीचे है, एंड एनी पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म, इसके अलावा कोई भी हो सकता है, वो क्लेम क्लिक कर सकता है कि उनका TDS ना कटे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 15G H फॉर्म है वो आप किन किन पेमेंट पर जो आपको मिल रहा है उस केस में आप 15G फॉर्म जो TDS काट रहे हैं उनको फिल करके आप उनको दे सकते हो। सबसे पहले 15G फॉर्म वही बंदा दे सकता है, वही इंडिविजुअल दे सकता है जिसकी जो इनकम है वो 2.5 लाख तक है, ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख तक है। अगर 2.5 लाख तक उसकी इनकम है तो ये जो फॉर्म है वो फॉर्म भर के, 15G फॉर्म में आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा अभी, फॉर्म भर के बैंक्स को, यदि बैंक्स TDS आपका काट रहा है या कोई भी आपका TDS काट रहा है तो उनको आप ये फॉर्म दे सकते हो। कोई भी नहीं, मतलब मैं आपको ये स्पेसिफिक केसेस बता रहा हूँ, इस केस में आपको 15G फॉर्म आप दे सकते हो, अदर केस में आप नहीं दे सकते। आप उनको देख करके उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका वो TDS ना काटा जाए। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख तक है जिस पर टैक्स नहीं बनता है। एंड इवन 2.5 लाख तक इनकम होने पर हम लोग जो जिनकी इनकम 2.5 लाख तक है, इवन वो ITR फाइल करने के लिए भी लाइबल नहीं है। तो वो कौन कौन से केसेस हैं? यदि आपका एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड का पैसा है और जो कि टैक्सेबल हो जाता है इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय और उसकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो 10% TDS कटेगा। आप अपने एम्प्लॉयर को 15G H फॉर्म दे सकते हो यदि आपकी टोटल इनकम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपकी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख तक रहती है, इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से नीचे उन बंदों की है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यदि आपको कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनी से, डिबेंचर्स हो गए, डिबेंचर पर इंटरेस्ट, और उसकी अमाउंट 10,000 से ज़्यादा हो जाती है तो आपका TDS कट जाएगा 10%। यदि आप अपनी कंपनी को 15G H फॉर्म दे सकते हो, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो वो TDS आपका नहीं कटेगा। क्लियर? इसके अलावा अदर इंटरेस्ट आपके होगा, जैसे FD पर इंटरेस्ट, यदि आपने कोई लोन लिया हुआ उस पर इंटरेस्ट, सही, यदि आपने कोई लोन लिया हुआ उस पर इंटरेस्ट यदि 5,000 से ऊपर होता तो आपका TDS कटेगा 10%। यदि आप उनको 15G H फॉर्म दे दोगे तो वो TDS आपका नहीं काटेंगे। इसी तरीके से बैंक्स को, यदि आपकी जो FD की अमाउंट, FD पर जो इंटरेस्ट है वो 40,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपका TDS कटेगा। अगर 40,000 तक है तो TDS नहीं कटेगा, 40,000 से ज़्यादा यदि TDS हो जाता है तो आप 15G H फॉर्म दे करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपका TDS ना काटें। ये आप 15G H फॉर्म तभी दे पाओगे यदि आपकी इनकम 2.5 लाख तक रहती है। इंश्योरेंस कमीशन यदि आपको मिल रहा है और 15,000 से ऊपर मिलता है तो आपका TDS कट जाएगा। यदि आप उनको 15G H फॉर्म दे दोगे तो वो आपका TDS नहीं काटेंगे। क्लियर है? लेकिन हमें, मैं जितने भी केस डिस्कस कर रहा हूँ ये तभी आप 15G H फॉर्म दे पाओगे यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख तक रहती है। क्लियर है? यदि आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई मैच्योरिटी मिलती है और वो मैच्योरिटी टैक्सेबल है, नॉर्मली केस में तो एग्जेम्प्टेड होती है मैच्योरिटी, बट कुछ स्पेसिफिक केसों में एक स्पेसिफिक लिमिट के ओवर यदि आप प्रीमियम पे करते हो साल का, तो फिर आप पर क्या, तो फिर जो उसकी मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो आपके हैंड में टैक्सेबल होती है। यदि ऐसा कोई केस है तो उस केस में क्या होता है, यदि 1 लाख से ज़्यादा की मैच्योरिटी तो 5% कंपनी के कर देगी, TDS काट लेगी। यदि आप उनको सर्टिफिकेट दे दोगे 15G H फॉर्म, 15G आप उनको फॉर्म दे दोगे तो डिक्लेरेशन दे दोगे तो वो TDS आपका नहीं काटेंगे। इस तरीके से रेंट, यदि आपको रेंट मिल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग पर, फर्नीचर फिटिंग पर, तो आपका 2,40,000 से ज़्यादा अमाउंट रहता है तो आपका TDS कट जाएगा 10% के हिसाब से। यदि आपकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख है तो आप उनको 15G H सर्टिफिकेट दे सकते हो। यदि आपको इनकम हो रही है
यूनिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड से, ठीक है, यूनिट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर से, यूनिट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी से, तो इस केस में भी आप उनको सर्टिफिकेट दे सकते हो 15G फॉर्म। ये कुछ स्पेसिफिक केस हैं जिस केस में आप 15G फॉर्म उनको दे सकते हो जो आपका TDS काट रही है। यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख तक रहती है, 2.5 लाख से ऊपर होगी तो आप नहीं दे पाओगे। इसी तरीके से 15H एक फॉर्म है, वो एप्लीकेबल होता है यदि किसी की इनकम, यदि कोई बंदा इंडिविजुअल, उसकी एज, उनकी एज 60 या उससे ज्यादा एज है एंड उनकी टोटल इनकम इतनी इतनी बन रही है कि उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक ना। यदि उनकी टोटल इनकम इतनी बन रही है कि उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टोटल इनकम में, मतलब ग्रॉस टोटल माइनस डिडक्शन इनकम जो बचती है जिस पर टैक्स आपका आता है नील, तो उस केस में क्या होता है कि आप 15H फॉर्म उनको इशू कर सकते हो। बाकी जितने भी केसेस हैं, बाकी जितने भी जिन जिन केस में TDS कटता है, वो वही वाला है जो मैंने अभी 15G फॉर्म में डिस्कस करा था, क्लियर है। तो आप अब बात आती है ये फॉर्म्स आप दोगे कब। ये फॉर्म्स बेटर ये रहेगा जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जैसे अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 स्टार्ट हुआ है, तो आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप फाइनेंशियल ईयर 2021 जो आपका स्टार्ट हो चुका है, आप जो पहला क्वार्टर है आप उसमें ही अपने बैंक्स को, किसी भी कंपनी को जो आपका TDS काट रहा है, उनको ये डिक्लेरेशन दे करके उनको आप इंटीमेट कर सकते हो वो आपका TDS जो आपकी इनकम आपको देंगे आगे, वो आपका TDS नहीं काटेंगे, क्लियर है। अब मैं आपको वो फॉर्म्स दिखा दे रहा हूँ 15G एंड 15H फॉर्म्स, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। क्या अब हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स की साइड। आपकी साइट है income tax india.gov.in। सबसे पहले आपको यहां पर आना है, फिर आपको इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। ये आपके सामने 15G फॉर्म आ गया, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपका 15G फॉर्म ओपन हो जाता है। ये 15H आपका फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म 15G एंड 15H फॉर्म आपके सामने खुल जाता है। आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म्स में क्या क्या डिटेल भरनी है। नेम ऑफ द असेटी, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, प्रीवियस ईयर डालना है जिसके लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, जैसे फाइनेंशियल ईयर आप 2021 के लिए दे रहे हो तो 2021 आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर देना है। अपना पूरा एड्रेस जहाँ पर डालना है, पिन नंबर, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, वेदर वेदर असिस्ट टू टैक्स, इससे पहले क्या आपने जब भी ITR भरी होगी, इससे पहले जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर रहा होगा उससे पहले भी आपने ITR भरी हुई है और वो असिस्ट जो हो चुकी है, तो उसकी असिस्ट मतलब क्या है, आपने ITR भरी, ITR भरने के बाद क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट उसका ऑर्डर पास कर देता है, मतलब आपकी इनकम को असिस्ट कर देता है। यदि ऐसा है तो आप यहाँ पर टिक करोगे यस, और जो आपकी लेटेस्ट असिस्ट रिटर्न की डिटेल है उसको आपको यहाँ पर देना होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एस्टिमेटेड इनकम जिसके लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, सपोज आप बैंक को डिक्लेरेशन देते हो, बैंक आपको लगता है पूरे साल 2021 में आपका जो इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट, आपकी इंटरेस्ट की कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपये हो जाएगी, तो आप यहाँ पर 60,000 क्या डालोगे, डिटेल डालोगे, क्लियर। एस्टिमेटेड टोटल इनकम विच डिक्लेरेशन इज मेड, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 15 टू बी इंक्लूडेड, यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरे साल की 2021 की पूरे साल की आपको एस्टिमेटेड इनकम डालनी है, जो भी आपकी एस्टिमेटेड इनकम रहती है पूरे साल की, क्लियर। डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15H अदर देन दिस फॉर्म फाइल फॉर प्रीवियस ईयर इफ एनी, यहाँ पर आपको 15H फॉर्म, वो 15H फॉर्म की डिटेल देनी है। हो सकता है कि आपने कंपनी को भी 15H फॉर्म दिया हो, या आपने डिफरेंट बैंक्स को भी आपने क्या दिया हो, 15H फॉर्म दिया हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा कि आपके जो FD है वो अलग अलग बैंकों में हो, तो आपने क्या करा होगा कि अलग अलग बैंकों को 15H फॉर्म दिया होगा, तो आपको उनकी भी डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी है, क्लियर। एंड डिटेल ऑफ द इनकम विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड, और उनकी इंफॉर्मेशन भी पूरी आपको देनी है जिनके अगेंस्ट में आपने डिक्लेरेशन दिया हुआ है, क्लियर।
यहाँ पे आपको साइन कर देना है, सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पे डालना है, असेसमेंट यहाँ पे डालना है, फिर आपको प्लेस, डेट, सिग्नेचर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है। ये वाला जो पार्ट है ये वो बंदा भरेगा जो टीडीएस आपका काटता है, ठीक है। इस फॉर्म को, इस पार्ट सेकंड को आपको नहीं भरना है, ये आपका वही बंदा भरेगा जो आपका टीडीएस काटता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म्स है। आपको यहाँ पर एक्चुअल आपकी डिटेल देनी है, किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं करना है, अदरवाइज आप फ्रॉड करते हो तो आप पे पेनल्टी एंड इम्प्रेशनमेंट इम्प्रेशनमेंट के लिए आप पे क्या लग सकते हैं, आप पे चार्जेस लग सकते हैं। तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही देख दाख के इस फॉर्म को आप भरिए, सबमिट करिए, जिससे कि एक्चुअल डिटेल उन तक पहुंच पाए। क्योंकि इसका वेरिफिकेशन भी आपकी दी गई डिटेल से आपके आईटीआर से भी की जा सकती है, ठीक है। ये तो आपका 15 फॉर्म हो गया। इसी तरीके से 15G फॉर्म होता है, यही सब इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आप 15G 15H फॉर्म्स, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से, फाइनेंशियल ईयर जैसे आपका स्टार्ट होता है, आप जहाँ पर जो जो मैंने आपको केस बताए थे, किस केस में आप ये 15G और 15H फॉर्म दे सकते हो, तो उस केस में आप 15G 15H फॉर्म दे सकते हो बैंक्स को, कंपनी को जो आपका टीडीएस काट रहे हैं, या किसी भी पर्सन को जो आप जिनसे आपने लोन ले रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। तो आप इन फॉर्म्स की सहायता से आप टीडीएस ना कटे उससे आप बच सकते हो, क्लियर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक, जी हाँ आप तक पहुंच सके। मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज अपने इस चैनल पे देता रहूँगा। ओके, बाय।